हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ फैथ। देखिए, आज हम लोग नए चैप्टर में के बारे में पढ़ने वाले हैं, विच इज़ ऑफ चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम स्टैटिक्स एंड इट हैज़ अ नेम स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम की ही बात करनी है, जो हम लोग लास्ट के कुछ चैप्टर्स में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है। बट यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल क्या हो, कैसे होता है, वो चीज़ हमें सीखना है। सो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के मैं चलूँगा, और ये वीडियो जो अब आपको मिलने वाली है, वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगी आपके MCQ के लिए। ठीक है, पूरी तरीके से इसी पर डेडिकेट करेगी ये वीडियो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब MCQ में किस तरीके से पढ़ना है हमें, पहली बात तो पॉइंट्स पढ़ने हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, पॉइंट्स को समझना है, और उसी को किस तरीके से वो MCQ में क्वेश्चन देगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, साथ ही साथ सम क्वेश्चंस विल बी टेकन फॉर योर एंड टर्म्स एज वेल, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सम लॉन्ग आंसर्स, लाइक लॉन्ग आंसर्स भी लेना है मुझे। ठीक है, तो वो आपके एंड टर्म के लिए है, कुछ ही होंगे, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 6 to 7 क्वेश्चंस। ठीक है, सो वो एक वीडियो में कवर कराने की कोशिश की जाएगी, बाकी वीडियो जो होगी डेडिकेटेड होगी MCQ के पॉइंट्स के लिए, जो मैं आपको फटाक से समझाऊंगा। ठीक है, सो क्योंकि आप, जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 से बात चल रही है कि एग्ज़ाम आपका होगा। ठीक है, वैसे डेट तो 15 से स्टार्ट तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि और भी अदर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो 20 के आसपास या उससे बाद में ही होगा, लेकिन फिर भी हम लोग 15 का एक टारगेट लेके चलते हैं, और उसके आसपास में ही हम कोशिश करते हैं कि आपका पूरा ख़त्म हो जाए जितना हो सकता है। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए समझते हैं। देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ऐसा इक्विलिब्रियम जो, जैसे लेट्स से कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में पड़ा हुआ है, इक्विलिब्रियम मतलब वो एकदम बिल्कुल शांत बैठा हुआ है रेस्ट पोजीशन में। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, रेस्ट पे पड़ा हुआ है। अब मैंने क्या किया, रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो उस पे एक मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और परपेंडिकुलर ड्रॉ तो किया है ये, साथ ही साथ मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, इसे थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स लगा करके हल्का सा मैं इसे क्या कर रहा हूँ, टर्न कर दे रहा हूँ राइट हैंड साइड पे। तो लेट्स से कि इसका जो नया आपका डायमीटर जैसा लग रहा है, डायमीटर इस प्लेस पे अगर बन जाए नया डायमीटर, ठीक है, और क्या हो, मैंने एक फोर्स लगाया F और ये चला गया राइट में, लेकिन अगर ये वापस से अपनी ही पोजीशन पे आ जाए, वापस से अपनी ही पोजीशन पे आ जाए, मतलब वापस से रेस्ट पे आ जाए, मैंने भले ही फोर्स लगाया लेकिन वापस से, जैसे देखा नहीं आपने कुछ एक ऐसे खिलौने टाइप होते हैं जो कुछ इस टाइप से मेन बेस में, यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे वेट होता है, ठीक है, और उसे जब इधर को पुल किया जाता है या पुश किया जाता है तो ये इधर तक तो जाता है, बट ये फिर वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो वो जब वो रुका हुआ था तो वो स्टेबिलिटी थी, लेकिन वापस से जब आ गया, आपने उसको मिसप्लेस किया उसकी प्लेस से, फिर वापस से अपनी जगह पे आ गया अगर, तो ऐसे जो इक्विलिब्रियम है उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसके लिए कुछ वर्ड है, मैं एक लाइन लिख देता हूँ, वो हो सकता है MCQ में डायरेक्टली पूछ ली जाए। देखिए, जो पॉइंट मैंने दिया है आपके सामने लिखा है, इफ़ आफ्टर स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा डिस्प्लेस आपने किया किसी फोर्स से, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम, मैंने शॉर्ट में लिखा इक्विल लिख दिया, इक्विलिब्रियम द फोर्सेज एक्ट्स ऑन द बॉडी सेंड इट बैक टू द स्टार्टिंग पोजिशन, अगर वापस से जो उसके इंटरनल फोर्स हैं जिसकी वजह से वो इक्विलिब्रियम में था, वो उसे वापस अपनी ही पोजिशन पर वापस कर दें, तो ऐसा जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल होगा, यानी वो वापस आ जाएगा, जैसे मैंने अभी खिलौने के बारे में बताया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अनस्टेबल समझते हैं। देखिए भाई, अनस्टेबल में सिंपल सी बात है, आफ्टर स्लाइट डिस्प्लेसमेंट तो फोर्सेस एक्ट्स ऑन इट, जिसकी वजह से वो इक्विलिब्रियम में था, जो इसके इंटरनल फोर्स लग रहे थे, मूव इट फर्दर अवे फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजिशन, अगर वो स्टार्टिंग पोजिशन से और ज़्यादा उसकी प्लेस को और चेंज कर दें, तो ऐसा जो स्टेबिलिटी होती है, ऐसा जो रेस्ट पोजीशन होता है, ऐसा जो इक्विलिब्रियम होता है, वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, इसके लिए आप सिंपल सी बात ये समझिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई, अगर सोचिए
देखिए, अगर वही सेम बात करता, थोड़ा सा और समझा देता हूँ। कोई भी अगर एक बॉडी है और उसे हम रिप्लेस करें उसकी मेन पोजीशन से, ठीक है, और रिप्लेस करने के बाद, एक फोर्स लगाने के बाद अगर उसे रिप्लेस करें और वो चेंज होकर के कुछ और ही बन जाए। मैंने क्या किया, अब इसका जो डायमीटर था वो ये बना रखा था मैंने इस टाइप से, ठीक है। अब क्या हुआ, बॉडी इसी डायरेक्शन में ऐसे ही रह गई, ठीक है। उसके इंटरनल फोर्स की वजह से अभी ए और बी यहाँ और यहाँ पे था, अब ए और बी यहीं पे है, और विच यू कैन नॉट गेट बैक, वापस से ओरिजिनल पोजीशन आपको नहीं मिल सकती है। तो ऐसा कुछ अगर इक्विलिब्रियम होता है उसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। देखिए, एक और छोटा सा पॉइंट है जिसे आप कहते हो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। न्यूट्रल, वैसे चैप्टर का नाम तो दो अलग अलग, स्टेबल एंड अनस्टेबल। ये न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल क्या होगा, न्यूट्रल जो इक्विलिब्रियम होगा, सिंपल नाम से ही क्लियर है कि इसके केस में, देखिए ऐसे समझा जाए, इसे ऐसे समझा जाए कि बिफोर एंड आफ्टर अगर दोनों की बात की जाए, जैसे आपने रिप्लेस भी कर दिया तो जो ओरिजिनल प्लेस थी, मतलब ओरिजिनल जो उसकी प्लेसिंग थी स्टार्टिंग की, उस समय की बिफोर एंड आफ्टर और चेंज करने के बाद, थोड़ा सा फोर्स लगाने के बाद, इन दोनों ही पोजीशन में बॉडी है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर दोनों ही केसेस में इक्विलिब्रियम में है तो ऐसे जो केस है, ऐसा केस जो बनता है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का बनता है। देखिए, स्टेबल और अनस्टेबल केसेस में हो सकता है प्लेस चेंज कर दिए भाई, जो हमारा स्टेबल होता है प्लेस चेंज करने के बाद वापस अपने प्लेस पे आ जाता है। अनस्टेबल क्या करता है, प्लेस चेंज करने के बाद वापस अपने प्लेस पे आता ही नहीं है, और हो सकता है कि वो इक्विलिब्रियम में भी ना हो। लेकिन न्यूट्रल में क्या है, पहले भी आपका इक्विलिब्रियम में होगा, प्लेस चेंज करने के बाद भी इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। जैसे आप एक स्फीयर की बात कर सकते हो, स्फीयर, ठीक है। तो न्यूट्रल वैसे उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखिएगा बिफोर एंड आफ्टर बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। जितनी चीज़ें बता रहा हूँ सब एमसीक्यू के लिए, एकदम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के लिए अभी ज़्यादा बात की जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में तो मैं केवल पॉइंट समझा रहा हूँ आपको, और नेक्स्ट वीडियो में जो होगा उसमें आपका लॉन्ग आंसर प्लस क्या कहते हैं आपका एमसीक्यू तो साथ में ही चलता रहता है। तो एमसीक्यू भाई आपको वैसे भी पढ़ना पड़ेगा ही, थोड़ा सा लॉन्ग पढ़ना पड़ता है, और एमसीक्यू के पॉइंट्स तभी निकलते हैं, क्लियर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए, एक अगला पॉइंट है बॉडी विद 1 डिग्री फ्रीडम। अभी 1 डिग्री फ्रीडम क्या है, डिग्री फ्रीडम मतलब ये होता है कि वो जितने भी तरीके का मोशन करे, वो जितने भी डायरेक्शन में जाए, डिग्री फ्रीडम मतलब क्या, देखिए जितने भी डायरेक्शन में जाए, जितने भी डायमेंशन वो सेलेक्ट करे, ठीक है, अगर उसे हम किसी एक ही डायमेंशन से पूरा शो कर पाए, मतलब किसी एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, किसी एक डायमेंशन से अगर हम उसे शो कर पाए उसके चेंजमेंट को, तो उसे 1 डिग्री फ्रीडम फ्रीडम कहते हैं। अब इस पे डेफिनेशन क्या बनती है, क्योंकि मैं लिख देता हूँ। देखिए, इफ द बॉडी इज सो कंस्ट्रेंड दैट ओनली 1 ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी, ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी यू कैन से दैट वन एनी यू नो किसी एक की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी मतलब एक्स वाई जेड थीटा टी यू, जिसमें आप लेट करते हो किसी वेरिएबल को, ठीक है। तो वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस पे कोई ना कोई लेंथ तो लोगे ना, तो वही मैंने बोला डायमेंशन होता है, कोई एक डायमेंशन में आपको उसे कन्वर्ट कर लेना होता है, इज रिक्वायर्ड टू फिक्स इट्स पोजिशन। अगर ये लिखता है 2 डिग्री फ्रीडम, तो यहाँ पे कम से कम नहीं, सिर्फ दो मुझे फ्रीडम डिग्री फ्रीडम चाहिए होता है, यानी दो डायमेंशन चाहिए होते हैं। अगर 3 लिखता तो 3 चाहिए होते, ठीक है। तो बात क्लियर हुई, अगर उसे हम मिसप्लेस करें उसकी अपनी ओरिजिनल पोजिशन से, रिप्लेस करते, और रिप्लेस करने के बाद जो हम वर्क करते, वो वर्क अगर वर्क जो हम कर रहे होते हैं, वर्क अगर किसी एक एक क्वांटिटी पे डिपेंड कर जाता। अगर मैं कहता कि इफ डब्ल्यू इज द वर्क वर्क डन, ठीक है, इन मूविंग, अगर उसे मूव करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी की पोजीशन से हटाने के लिए W वर्क करना पड़ रहा है, और वो W किसी एक ऐसे फंक्शन जो कि यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड में फंक्शन ऑफ थीटा, कोई एक
थीटा लेकर के, थीटा एक वेरिएबल या थीटा डायमेंशन लेकर के उसे हम कन्वर्ट कर पाएँ या शो कर पाएँ। तो ऐसे में भाई थीटा तो सिर्फ सिंगल वेरिएबल है ना, ये सिंगल ही वेरिएबल है, तो सिंगल वेरिएबल है और सिंगल वेरिएबल की वजह से या सिंगल वेरिएबल की हेल्प से हम उसके पूरे पूरे के पूरे सिस्टम को डिफाइन कर पा रहे हैं और उसकी प्राइमरी जो पोजीशन है उसे फिक्स कर पा रहे हैं। तो सिंगल वेरिएबल एक ही वेरिएबल है, इस वजह से इसका नाम कितना क्या पड़ गया, 1 degree freedom। ठीक है, अब इस पर थोड़ा सा बात भी करते हैं, ये पॉइंट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। इस पर छोटा सा एक वो प्रूफ है जो कई बार एग्ज़ाम में आया है, कई ज़्यादा बार जो, ठीक है देखते हैं ज़रा उसको। देखिए ये क्वेश्चन आपका इतनी बार आया हुआ है, लाइक अगर मैं रीड करूँ 2010, 11, 12, 14, 16, 18, 19 और आपकी बुक में यस 18, 19, ठीक है इतने तक आया है, मतलब रिपीट पे रिपीट मारा है। कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आ बॉडी विद 1 degree of freedom, अगर 1 degree of freedom होगा तो हम कैसे फिक्स करेंगे उसकी वापसी पोजीशन को। सो देखिए, लेट द वर्क फंक्शन, अगर हम वर्क फंक्शन को मान लेते हैं या वर्क डन जो है हमारा, वर्क फंक्शन आगे पढ़ने को मिलेगा, तो W है उसे मैंने एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हो रहा है ना, तो F थीटा पे बिलोंग करा दिया। ठीक, अब एक बारी जिसे हमें पता है कि जो वर्क डन होता है अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो डी ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड साइड पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एफ डैश थीटा और थीटा क्या हो जाएगा, डी थीटा, क्योंकि भाई डिफरेंशिएशन आपको सबको पता होना चाहिए कैसे किया जाता है। अब इसके बाद आपको पता है, देखिए वी नो दैट कि जो चेंज इन वर्क डन होता है वो एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ इंटू डी एस, वेयर एस इज वॉट, डिस्प्लेसमेंट, डी एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये प्रूफ करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद से सीख लेना है इसको। अब इसे हम क्या करें, पुट कर दे भाई वैल्यू। सो डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, एफ डैश थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू एफ इंटू डी एस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल एफ अगर यहाँ से निकालना चाहें तो कैपिटल एफ विल बी वॉट इज इक्वल टू एफ डैश थीटा एंड डी थीटा बाई डी एस। इतना क्लियर है, ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 लेट कर ले रहे से। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम में फोर्सेस 0 हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम की बात करें तो F क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो जब F 0 होगा तो उसके साथ की जो वैल्यू आई अभी जस्ट, क्या ये F डैश थीटा, F डैश थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एस इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे देखिए जो थीटा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, तो 0 क्या होगा, ठीक है, क्योंकि थीटा जो है वो आप चेंज करते जा रहे हो ना, हेयर डी थीटा बाई डी एस इज नेवर 0 बिकॉज थीटा तो इंक्रीज हो रहा भाई, क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को ही 0 कर दोगे, उसका डिफरेंशिएशन 0 कर दोगे, तो वही तो है जो हमें समझा रहा है कि हम उसे उसमें कन्वर्ट कर पा रहे हैं, उसकी उसे फिक्स करना चाह रहे हैं। तो डी थीटा बाई डी एस तो कभी 0 नहीं होगा, नॉन 0 होगा, तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, एफ डैश थीटा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात क्लियर है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और इंक्रीजिंग फंक्शन अगर है तो उसका डिफरेंशिएशन कभी 0 नहीं हो सकता। इंक्रीजिंग ग्राफ आपको पता है ना, डिफरेंशिएशन 0 कब होता है, जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, और इंक्रीजिंग ग्राफ ऐसे चलता है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल कभी हो ही नहीं सकती उसकी टेंजेंट। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग जो आप जैसे जैसे सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ थीटा, क्या होगी, थीटा की एक वैल्यू ज़रूर आएगी। लेट से वो थीटा की वैल्यू जो है वो मैं थीटा 1 मान ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, एक कॉन्स्टेंट कोई वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम वापस से जो हमारा कैपिटल एफ था उसे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जो कैपिटल एफ आया था स्टार्टिंग में एफ डैश थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एस, उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एस। नाउ डी एफ बाई डी एस कितना आएगा, डी एफ बाई डी एस अगर हम कर रहे हैं इक्वल टू, अगर थीटा की वैल्यू रखने पर, अगर मैंने क्या किया इस, ये तो निकाल लिया, कुछ तो वैल्यू दे गई साथ में भाई, कुछ ना कुछ फंक्शन दे गई, और हम क्या कर रहे हैं, एक चीज़ ऐसे लिखना चाहिए ब्रैकेट लगा के, वैसे हम लोग ने इसको
हमें पता है कि डी एफ बाई डी एस करने के बाद थीटा की प्लेस पर हम थीटा वन रख दें और वो लेस देन ज़ीरो आ जाए, या तो लेस देन ज़ीरो आएगा या फिर, अच्छा लेस देन ज़ीरो आएगा तो क्या होगा, वैसे दोनों आ सकता है, लेस देन भी आ सकता है, ग्रेटर देन भी आ सकता है, ठीक है। तो होगा क्या, तो अगर ये लेस देन आया, ठीक है, और साथ ही साथ ये तो एक बार डिफरेंशिएशन आपने कर दिया, ये लेस देन ज़ीरो आ गया, तो ऐसा जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ध्यान रखिएगा। और यही पॉइंट हम लोग को प्रूव करना था, ठीक है। और इसके साथ ही साथ देखिए, जब ये आपका लेस देन ज़ीरो आ रहा है, तो देखिए क्या चेंजमेंट आएगा स्मॉल डी एफ बाई डी थीटा में जो भी है, ठीक है। देखिए अगर ये लेस देन ज़ीरो आता है, यानी नेगेटिव आता है, कहने का पूरा पूरा मतलब यही है, तो ज़रा यहाँ पे f की वैल्यू रखिए, तो भाई d बाई डी एस ऑफ f कितना था, f आपका था f डैश थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एस। ज़रा यहाँ पे आप एक बार ये और डिफ्रेंशिएट करिए, लेस देन ठीक है ज़ीरो, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू थीटा वन, तो लास्ट में रखना ही है। सो ये क्या देगा हमें, एक बार डिफ्रेंशिएट आप करेंगे तो f डबल डैश थीटा हो जाएगा, थीटा की वैल्यू अगर थीटा वन रख देंगे तो थीटा वन हो जाएगा, और साथ ही साथ डी थीटा बाई डी एस करेंगे तो डी थीटा बाई डी एस का होल स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक। और ये भी लेस देन ज़ीरो है, क्लियर है, इतना क्लियर है। अब आपको पता है जब भी किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे ये भाई लेस देन ज़ीरो आने का क्या मतलब है, लेस देन ज़ीरो आने का मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव तभी आ सकता है जब एटलीस्ट वन इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो, और आपको पता है स्क्वायर वाला कभी भी नेगेटिव नहीं होता, दैट मीन्स कि हमारा इम्प्लाइज दैट f डबल डैश जो थीटा वन होगा वो लेस देन ज़ीरो होगा। तो यानी कुल मिलाकर के आपकी दो कंडीशन यहाँ से मिल रही है बाबू लोग, क्या क्या, एक ये कंडीशन मिल रही है जो वन डिग्री ऑफ फ्रीडम से होती है, ये लेस देन ज़ीरो होगा, और f डबल डैश थीटा वन जो होगा वो भी लेस देन ज़ीरो होगा, ठीक, बात समझ में आई। और एक और यहाँ पे कंडीशन हम लोग को मिली थी, उसे भी हमें दिमाग में रखना चाहिए, क्या, ये वाली कंडीशन, दिस वन कंडीशन इज फॉर वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो ये तीनों पे मैं स्टार बना रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। पूरा का पूरा लेक्चर ये जो है, ये पूरा का पूरा डेडिकेटेड अच्छे से है आपका एमसीक्यू के लिए ही, ध्यान रखिएगा वन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एकदम कायदे से अच्छे से। पिछली बार भी ऐसे ही मैंने क्या कहते हैं सजेस्ट किया था आप लोगों को, और मुझे याद है कि जो मैं पढ़ा पाया था मैथमेटिकल मेथड, उसमें से 35 प्लस क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ गए थे, ठीक है, और उतना बहुत था क्योंकि समय बहुत कम था, 40 नहीं हो पाए थे, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि मैंने पूरे 40 के 40 मेरे में से आ गए थे, ऐसा नहीं कहूँगा। हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा 32 से 35 तक मेरे से ही थे, वीडियो से, और जो PDF आपको जो टेलीग्राम पे मिल ही जाते हैं उनसे थे। तो प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, अपने दोस्तों को भी दे दीजिएगा, ठीक है, उनके भी क्वेश्चंस अच्छे ही होंगे, तो पढ़िएगा, बस ये इतनी बात, मेरी ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक पॉइंट और है छोटा सा, जैसे इसी में ही है, अगर देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो आपका लेस देन आता है, याद आ रहा है आपको, मैक्सिमा मिनिमा आप लोग पढ़ते थे, तो लेस देन नेगेटिव आता तो मैक्सिमा मिलता था, तो यहाँ पे एक आपको लास्ट में पॉइंट और मिल जाता है, दैट इज़ कि वर्क डन विल बी मैक्सिमम, मतलब जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो वर्क डन विल बी मैक्सिमम होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर वर्क डन हमारा मिनिमम हुआ, ठीक है, वर्क डन अगर मिनिमम हुआ तो अनस्टेबल होगा, देखिए वही मैं कहना चाहता हूँ, इफ वर्क डन इज मिनिमम, अगर ऐसा कहीं आता है इज मिनिमम, देन क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल बी अनस्टेबल, ध्यान रखिएगा, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। और एक चीज़ और इस पर, तीसरा पॉइंट, ये याद रखने वाले पॉइंट्स हैं सारे के सारे, ठीक है। अगर हमारा W जो है वो कुछ भी ना है, इफ W इज ना ही मैक्सिमा हो ना ही मिनिमा, नीदर मैक्स नॉर मिन, देन वॉट विल हैपन, तब क्या होगा, तब देखिए तब दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो देन ईदर न्यूट्रल होगा
और अनस्टेबल होगा। मतलब अगर कुछ भी नहीं पता चलता है, आपको याद आ रहा है मैक्सिमा और मिनिमा दोनों नहीं होता था, तो इस पॉइंट का नाम कुछ होता था, बड़ा ही स्पेशल नाम होता था, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इसका नाम होता था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और आपको याद होगा जब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तब मिलता था जब आप दो बारी डिफरेंशिएट करने के बाद पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं पता कर पाते थे। दैट मीन्स कि अगर टू टाइम्स डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो आ जाता था तब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता था। तो आप वर्क फंक्शन जब देखोगे, दो बार डिफरेंशिएट करोगे, तो अगर वो जीरो आ जा रहा है वैल्यू रखने के बाद, तो फिर आपको क्या करना होता है, सिंपल सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लिखना होता है। और ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, तीनों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। देखिए एमसीक्यू पे बेस्ड पे पूरी की पूरी आपकी लर्निंग चल रही है, ठीक। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज की वीडियो में ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ओके। तो तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में वो सारे के सारे हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे बाकी के जो इसके कॉन्सेप्ट हैं वो ख़त्म करूँगा मैं। वो क्या होगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो हमारा एमसीक्यू चलता है वो चलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आई विल इन्वॉल्व सम लॉन्ग आंसर्स एज वेल, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी मिलेंगे, ठीक है, कि आपको कैसे करना है। और हम लोग 15th ऑफ, आई थिंक इट इज़ 15th ऑफ मई तक कैसे कोर्स को एंड करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अनटिल ईच एंड एवरी वन शेयर दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड यू नो कॉलेज ग्रुप्स, एंड टेल देम टू ज्वाइन टेलीग्राम विच हैज़ द सेम नेम मैथ वेथ, एंड ऑल्सो ज्वाइन द कन्वर्सेशन दैट इज मैथ वेथ फॉर कन्वर्सेशन, वेयर यू कैन आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम मी एंड आई विल गिव डेफिनेटली दी आंसर विद इन 24 आवर्स, ठीक है। और इस समय तो आपको ज़रूरत भी होगी मेरे ख्याल से, क्वेश्चन पूछते होंगे आप लोग, सो नो नीड ऑफ हेजिटेशन। सो सिंपली आप ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों को बताइए इस चैप्टर को। नेक्स्ट इस चैप्टर का जो जितना भी पॉइंट है वो नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, एंड बस सिंपल सा एक और पढ़ाना होगा मुझे। और बहुत ही जल्दी हम लोग डिफरेंशियल के एक चैप्टर की भी बात करेंगे, उसको भी ख़त्म करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी अपने चैनल मैथ वेद पर। थैंक यू।